कोविड हॉस्पिटल के खिलाफ उतरी अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। टीएमयू कोविड हॉस्पिटल में लगातार हो रही संदिग्ध मौतों को लेकर ब्राह्मण महासभा ने मोर्चा खोल दिया है। महासभा से जुड़े सदस्य मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन के माध्यम से इन मौतों की जांच कराने और टीएमयू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग उठाई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने आज मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर टीएमयू के खिलाफ बिगुल फूंकते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर डाली। दरअसल पिछले एक महीने में ही 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद से हालांकि जिला प्रशासन भी टीएमयू कोविड हॉस्पिटल को लेकर कुछ संजीदा नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में एफआईआर नहीं होने से सभी जांच संदेह के घेरे में है, जिसका मुद्दा आज ब्राह्मण महासभा ने डीएम कार्यालय पहुंचकर उठाया। इन्होंने टीएमयू पर कोरोना मरीजों के अंग निकालने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने जिला प्रशासन को आग्रह करते हुए कहा कि अगर जल्द ही टीएमयू के खिलाफ कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती है तो मजबूरन ब्राह्मण महासभा को सड़क पर उतरकर एक आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। ब्राह्मण महासभा ने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी डीएम को सौंपा है। उत्तर प्रदेश में इस समय 300 से ऊपर ब्राह्मणों की हत्याएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में बेहद ही खौफनाक और संवेदनशील मुद्दा है। दिन प्रतिदिन, चाहे वो एनकाउंटर के बहाने, चाहे वो वैसे हत्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये ज्ञापन है, उनसे निवेदन है, इन हत्याओं को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। और यहाँ पे टीएमयू प्रशासन बिल्कुल आंखें बंद करे बैठा है। टीएमयू कोविड सेंटर में मुरादाबाद में अभी तक कम से कम 111 मौतें हो गई हैं, जिनमें से 3 मौतें ऊपर से छलांग लगा के हुई हैं। बाकी मौतें जितनी भी हुई हैं वो भारी अनदेखी के चलते, भारी लापरवाही के चलते हुई हैं, जिनमें से एक मौत मेरे भाई की भी हुई है, महेंद्र कुमार शर्मा की, जिसे पिछले 2 महीने 9 जुलाई को वो डेथ हुई थी, और अभी तक प्रशासन ने कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करी है। तो आप क्या चाहते हैं? हम उसमें ये चाहते हैं कि उसकी जांच हो, किस वजह से हुई, क्योंकि 2 घंटे के अंदर मात्र डेथ हुई थी वो, और कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, और उसमें 111 में से 70 डेथ ऐसी हैं जो बिल्कुल यंग लोगों की डेथ हुई हैं, उनका कोई कारण नहीं दिया जा रहा, कोई स्पष्टीकरण नहीं बताया जा रहा, और बिल्कुल ना चेहरा दिखाया जा रहा। जानकारी में शायद नहीं, इसमें मजिस्ट्रेट की जाँच के आदेश नहीं हुए हैं, सिर्फ इसमें सीएमओ साहब ने जाँच कराई है। नहीं, मजिस्ट्रेट ही जांच के आदेश हुए हैं, अब आप और कौन सी जांच चाहते हैं? नहीं, हम ये चाहते हैं इसमें सबसे सर्वप्रथम तो एफआईआर हो जी, क्योंकि जब तक एफआईआर नहीं होगी जब तक कोई जांच कैसे संभव है। ये हमें गलत बताया जा रहा, और हमें ये बताया जा रहा प्रशासन के द्वारा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। हमने अपने वकील साहब से बात की थी, उन्होंने कहा ऐसी कोई रूलिंग नहीं है, कोविड पेशेंट अगर मरता है तो निश्चित रूप से उसकी एफआईआर होगी, कोई एफआईआर नहीं हो रही। कोविड अगर किसी को हो गया तो ना उसका चेहरा दिखाया जा रहा परिजनों को, ना उसको बॉडी दिखाई जा रही है, लपेट के बॉडी दे दी जा रही है, उन्हें ये नहीं पता वो किसका संस्कार कर रहे हैं। इससे बड़ी दुखद और अमानवीय घटना तो हो ही नहीं सकती इस धरती के ऊपर। अगर आपके ज्ञापन, अभी हम बहुत शालीनता के साथ कोविड नियमों का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें तत्काल प्रभाव से एफआईआर करके और इसमें जाँच हो, दोषी को कार्रवाई हो, और वहाँ पे जो और हत्याएं ना हो, हमारा उद्देश्य यह है जो हो गई वो जैसे भी हो गई उसकी तो जांच हो, और आगे किसी का भाई ना जाए, किसी का बेटा वहाँ ना खत्म हो, कोई व्यक्ति वहाँ से उछल कूद के 6 मंजिल से ना कूदे, ऐसा हम चाहते हैं। और यदि उसके बाद भी नहीं सुनी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आएंगे और कोर्ट की शरण में जाएंगे, माननीय सीजेएम साहब के माध्यम से एफआईआर कराएंगे। वो नहीं बैठेगी अखिल भारतीय अभी दिवाकर शर्मा जो दीवान जी 6ठी मंजिल से कूद के ख़त्म हुए हैं, यहाँ पे शिकायत प्रकोष्ठ में थे, कप्तान साहब के ऑफिस में, बिल्कुल स्वस्थ थे वो, बिल्कुल एक वो सिपाही जो बिल्कुल 50 साल की उम्र हो और स्वस्थ हो, उन्होंने क्यों छलांग लगाई, एक जांच का विषय है, इसे बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। एक बैंक का मैनेजर, उसकी 40 साल की उम्र थी जो बैंक का मैनेजर हो, उसने छलांग क्यों लगाई, ये जाँच का विषय है। तो टीएमयू कोविड सेंटर में भारी घपलार, भारी फ्रॉड चल रहा है, वहाँ पे मुझे पूरा डाउट है कि हो सकता है कि अंग बदलने का खेल चल रहा हो, मानव अंग तस्करी का काम चल रहा हो, लेकिन प्रशासन और शासन पूरा आंखें बंद करे बैठा है, ये बहुत चिंता का विषय है। इन्हें तत्काल प्रभाव से बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए और टीएमयू प्रशासन को बदल देना चाहिए, गवर्नमेंट को इस टीएमयू कोविड यूनिवर्सिटी का अधिग्रहण करना चाहिए, इतनी लापरवाही इस समय इसमें चल रही है।